आगे बढ़ेंगे कर्नाटका से अब्दुल का सवाल लेते हैं। पोलो टायर्स पर ये जानना चाहते हैं, 80 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, 191 का इनके पास परचेजिंग प्राइस है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर भी है क्योंकि 161 के करंट लेवल्स देखे जा रहे हैं, इनके खरीदारी के भाव से काफी नीचे आ चुका है। लेकिन पारस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन से इम्पोर्ट होने वाले जो टायर्स है उनकी सरकार जांच करवाएगी और एंटी डंपिंग ड्यूटी पर हो सकता है विचार करते हुए नजर आए, क्या वहां पर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है अपोलो टायर्स को और आगे जाते हुए शेयर ऊपर बढ़ सकता है? या एंटी डंपिंग इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में इम्पोज कर रही है, जैसे स्टील में की थी तो स्टील बिग टाइम रीरेट हो गया। तो ऑल इन ऑल मैं ये मानता हूँ दो ट्रिगर्स से इसके इंपॉर्टेंट जो कि आगे भी ड्राइव करेंगे। एक तो नेचुरल रबर प्राइसेस बीच में 2-3 साल नीचे आए थे तो जिसके कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आए, बॉटम लाइन इंप्रूव किया डिस्पाइट ऑफ टॉप लाइन। अब नाउ यहाँ से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल सीवी साइकिल भी स्ट्रांगली इंप्रूव करेगा, दैट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और टॉप लाइन विल रिफ्लेक्ट ऑन द बॉटम लाइन। तो ऑल इन ऑल ये एक बड़ा स्टॉक है, अभी करेक्टिव मोड में है, बट जैसे ही डिमांड पिक करती है स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। तो ऑल इन ऑल यहाँ से और कोई डिक्लाइन मिलता है तो एवरेज आउट किया जा सकता है और ये स्टॉक इनको रिटर्न दे सकती है। चलिए अगला प्रश्न तुनीर जी का है वेस्ट बंगाल से, और उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं REC के 100-172 के लेवल पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट यहाँ पर सुमित जी, क्योंकि वायदा कारोबार से रिलेटेड है। अब जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनती चली जा रही हैं, क्या ये बेहतर लेवल्स तक पहुंच सकता है REC लिमिटेड, व्हाट्स योर व्यू? यस, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉक पिछले 5 दिनों से एक मोमेंटम में है, अच्छी हलचल दिखा रहा है और 160 के लेवल से 175 के लेवल तक आ चुका है। आई थिंक इसके अंदर आज हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अगर आज की क्लोजिंग 175 के ऊपर आती है तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर स्टॉक 200 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। आई थिंक इनकी जो खरीदी हुई है वो भी बहुत अच्छे लेवल्स पे हुई है, स्टॉक के ऊपर होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज की क्लोजिंग 175 के ऊपर आते ही आने वाले दिनों में स्टॉक 200 का स्तर इजिली दिखाएगा और हो सकता है शायद 225 के भी लेवल दिखा दे, स्टॉक के ऊपर बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है और 200-215 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए यहाँ पर। गुजरात से अगला सवाल है जिग्नेश का, NHPC पर ये जानना चाहते हैं, 500 शेयर्स हैं इनके पास और परचेजिंग प्राइस इनका 36 का है, लॉसेस में है यहाँ पर, और दूसरा शेयर जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं वो टाटा स्टील का है, 100 शेयर्स हैं इनके पास 255 के परचेजिंग प्राइस के साथ और यहाँ पर अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, और आज देखा जाए तो मार्केट्स को कहीं ना कहीं पुश स्टील सेक्टर ही करते हुए नजर आ रहा है और लीडिंग गेनर्स में से नाम एक टाटा स्टील का है। दोनों पर ही क्या सलाह होगी पारस, NHPC टाटा स्टील? NHPC में सबसे पहले तो इनको यहाँ पे एवरेज आउट कर लेना चाहिए, ये स्टॉक काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है लेकिन इस प्राइस में वैल्यू है इस स्टॉक में, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी देखे तो वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है और प्राइस टू बुक के लिहाज से भी ये स्टॉक चीप लगता है, तो ये एवरेज आउट करने से इनको रिटर्न बनने की या एक निकलने की उम्मीद बनी रहती है विथ प्रॉफिट्स। और सेकेंड इज़ अबाउट टिस्को, टिस्को में मैं ये मानता हूँ कि स्टील सेक्टर एज ए होल बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ पर प्राइसेज भी रिकवर हो रहे हैं मार्केट में, एंड एट द सेम टाइम अगर देखें इसके ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे कोरस को बात कर रहे हैं ये बेचने की, तो 2007-08 में एट द पीक ऑफ द साइकिल ये बाई किया और अभी बॉटम में सेल कर रहा है, तो दैट इन इटसेल्फ रिफ्लेक्स कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर बॉटमिंग आउट, और अगर ये डिलीवरेज होता है तो दैट अगेन इज गोइंग टू रीरेट। तो ये इस टिस्को में भी बने रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट प्रॉफिट बुक करके फर्दर राइड कर सकते हैं। चलिए इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसमें मैं अपडेट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने रीअपॉइंटमेंट की अर्जी जो है सेबी चेयरमैन की उसको सेवी चीफ की उसको खारिज कर दिया है, और ये मामला इनफैक्ट यूके सिन्हा जो कि रिटायर होने वाले 64 साल उनकी उम्र है उनके रीअपॉइंटमेंट का मामला है। देखिए PIL जो की गई थी उसमें ये बताया गया था कि दोबारा से रीअपॉइंटमेंट करने का मतलब है कि आप सेबी नॉर्म्स को मान नहीं रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये रीअपॉइंटमेंट की जो के खिलाफ जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूके सिन्हा की नियुक्ति से जुड़ा जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअपॉइंटमेंट की अर्जी को खारिज कर दिया गया, सबसे बड़ी खबर दो फिलहाल यहां पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बाजार के लिए भी है क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो रीअपॉइंटमेंट का मामला है ये मेन मुद्दा बना हुआ है कि अगला सेबी चीफ कौन होगा यूके सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर होते हुए नजर आ रही है यूके सिन्हा की दोबारा नियुक्ति के लिए रीअपॉइंटमेंट एस सेबी चीफ की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अब वो दोबारा सेबी चेयरमैन नहीं बन सकेंगे। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके के डेवलपमेंट्स आगे होते हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन दोबारा से लौटते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले पर।
मनोज का सवाल लेते हैं पुणे से, अशोक लेलैंड पर ये जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स हैं इनके पास और 112 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी की हुई है। पारस, देखा जाए तो इन्होंने खरीदा तो काफी ऊपरी लेवल्स पर है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है अशोक लेलैंड अब तक, आगे जाते हुए क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? नो डाउट ये स्टॉक बहुत अच्छा किया और प्राइस एक्टिविटी भी इसकी अगर देखें तो बहुत स्ट्रेंथ दिखा, सेम टाइम रीजंस बीइंग फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करती है। हर क्वार्टर इसके रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, इसके सेल्स फिगर अगर देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो देयर आर नो रीजंस फॉर द स्टॉक जो विनर है उसको बेचने की सलाह दी जाए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ से और रिवाइवल होती है सीवी साइकिल में, तो दैट्स अगेन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, प्लस डिफेंस में भी इसका फोकस है। ऑल इन ऑल इस स्टॉक में बने रहे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, सुरजीत जी का है वेस्ट बंगाल से। जैकॉप 2000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, 71.25 के स्तर पर उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुमित जी काफी रेंज बाउंड मूवमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्या ये कैंडिडेट हो सकता है जो यहां से अभी चले, क्या होल्ड करना चाहिए इन्हें? आई थिंक निकल जाना चाहिए, स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा मूव दिख नहीं रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक एक रेंज में चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से। आई थिंक इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक, और अच्छे स्टॉक में डालेंगे तो पैसा बनने की ज्यादा उम्मीद है। ये स्टॉक में अगर नीचे में 65 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो शायद हो सकता है 60 के स्तर भी आ जाए। फिलहाल कोई तेजी के बड़े संकेत दिख नहीं रहे, इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं पंजाब से, विकास कुमार का ये सवाल है। बैंकिंग स्पेस से एसबीआई पर ये जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पास और 305 का परचेजिंग प्राइस है, काफी नीचे आ चुका है वहां से। और सुजलॉन एनर्जी अगर देखें तो 2000 शेयर्स हैं इनके पास, 22 का इनका परचेजिंग प्राइस है। दोनों में ही कहीं ना कहीं इनको नुकसान जरूर हो रहा है। पारस, क्या सलाह देंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी आपको पोटेंशियल लगता है क्या? करंट लेवल्स पर अगर ये एवरेज करते हैं तो आगे जाते हुए बेनिफिशियल नजर आएंगे, और साथ ही सुजलॉन एनर्जी पर आपका क्या कहना होगा? SBI मैं ये मानता हूँ कि PSU सेक्टर अगर बॉटम आउट हो रहा है और NPA साइकिल बॉटम आउट हो रहा है तो SBI यहाँ से आउट परफॉर्म करेगी और रीरेट होगी। द ओनली थिंग इज़ दैट इकोनॉमिक रिवाइवल और NPA साइकिल इसका इम्प्रूव करे और एसेट क्वालिटी इम्प्रूव करे, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये ऑल इन ऑल इम्प्रूव करने वाली है। और ये इसी भाव में इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो इट्स नो पॉइंट एवरेजिंग की बात नहीं होती इसमें। सो SBI में बने रहे और रिटर्न फ्रॉम ए 1 ईयर परस्पेक्टिव रिटर्न मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा है। और दूसरी सुजलॉन में मैं ये सलाह दूंगा कि इस स्टॉक से एग्जिट कर जाए, इसमें हैंगओवर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, हर लेवल पे फंसे हुए हैं और कोई भी रिजल्ट्स भी इतना कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता है या कोई स्ट्रांग रहता नहीं है, जिसके कारण स्टॉक रीरेट हो। तो ऑल इन ऑल सुजलॉन बहुत टाइम लगेगा, लास्ट बुल मार्केट का हीरो था, ये ब्लू चिप से अभी पेनी स्टॉक बन गया है, तो इसमें ज्यादा उम्मीद ना बनाए रखें। ऑलराइट, चलिए अगला प्रश्न है हरप्रीत जी का पंजाब से। L&T फाइनेंस इनके पोर्टफोलियो में 400 शेयर्स और जो भाव है वो है 74 का, फिलहाल 70-30 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए सुमित जी? L&T FH का स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, कई महीनों के बाद ये स्टॉक ने एक मूव दिखाया है और तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये स्टॉक अब दोबारा ऊपर में 74-75 के लेवल ब्रेक करेगा तो इस बार ये स्टॉक 80 या 85 के लेवल भी दिखाएगा। अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ज्यादा मंदी देखने को मिलती नहीं है और अभी फिलहाल इसमें एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। आई थिंक ये ऊपर जाना चाहिए, स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 75 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो 80 से 85 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आपको सलाह दी गई है L&T फाइनेंस के संदर्भ में और अभी भी शेयर जो है उच्चतम स्तरों के करीब ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है।